नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग बात करेंगे ब्रांड कैसे बनता है। ब्रांड का एक वर्ड बोलते के साथ में उसके साथ कई चीज़ें जुड़ जाती है। उसके साथ में जो जुड़ती है, आप चाहे चाय के ब्रांड को लो या कोई भी, जैसे अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर में या पूरे दुनिया के अंदर में हर एक आइटम के अंदर, हर एक प्रोडक्ट के अंदर में एक ब्रांड बना हुआ है। जैसे जब अपने लोग सो के उठते हैं तब से लेकर रात में सोने तक, अपने लोग रेगुलर वे के अंदर में अपने कोई ना कोई ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि जब अपने सो के उठते हैं, जब अपने फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो किसी हिंद वेयर या कजारिया बोन के जो ब्रांड है उसको अपने लोग करते हैं। जब टैप से हाथ धोते हैं, अपने लोग जेकुआर के जो टैब होते हैं उसमें से पानी खोल के अपना हाथ धोते हैं या मुंह धोते हैं। जब पेस्ट करते हैं तो अपने कोलगेट है, पामोलिव है, पतंजलि की दंत क्रांति है, इसको यूज़ करते हैं अपने लोग। जब नहाने के लिए जाते हैं तो आज से 25 से 30 वर्ष पहले देखा जाए तो सिर्फ साबुन हुआ करते थे, जिसमें लाइफबॉय का बहुत बड़ा नाम था। आज भी नक्स के अंदर में है, और भी साबुन हैं, लेकिन जो नक्स का, लाइफबॉय का आज जैसे डव है, उसने बहुत अच्छा मार्केट लिया है उस ढंग से है। शेविंग करते हैं तो शेविंग के में पहले विजोन बोन के एक बहुत अच्छा ब्रांड था। आज के डेट में जैसे डिटोन है, जिनेट है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि अपने शेविंग के अंदर में आ गए हैं। उसके बाद में जैसे हेयर के अंदर में शैम्पू का अपने यूज़ करते हैं। शैम्पू के बाद में अपने जब कपड़े पहनते हैं तो कपड़े के अंदर में भी ब्रांड है, इनर वेयर के अंदर में भी ब्रांड है कहीं ना कहीं। उसके बाद में अपने चाय पीते हैं तो चाय के अंदर में ब्रांड बन जाता है। अपने नाश्ता पानी के अंदर में भी एक ब्रांड है, एक रिनाउंड दुकान से ही अपने ख़रीदते हैं। आटे के अंदर में ब्रांड है, चावल के अंदर में ब्रांड है, हर प्रोडक्ट के अंदर में रात में सोने तक अपने लोग ब्रांड ही ब्रांड यूज़ करते हैं। आपने कभी सोचा है कि इन ब्रांड के पीछे में क्या रीज़न है कि इन्हीं को अपने लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं या मार्केट में यही ज़्यादा बिकते हैं या इनकी रेट भी अपने लोग ज़्यादा किस लिए देते हैं? इसके बारे में आज अपने लोग इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे। वैसे तो मेरे वीडियो काफ़ी सिंपल रहते हैं, तो इसके अंदर में अपने 7 पॉइंट के ऊपर में अपने लोग डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट अपने क्या क्या हो सकते हैं। एक तो रिकॉग्निशन रहता है, मार्केट में एक थप्पा लगा हुआ रहता है कि अपने को इस प्रोडक्ट का ये ब्रांड यूज़ करना है, और अपने दिमाग में सेट रहता है, उसकी अलग से एक पहचान रहती है, जिसे उसको अपने लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे ब्रांड से, उसको अलग करके अपने लोग देख सकते हैं। जैसे कि टाटा के अंदर में भी 3 ब्रांड है, उसको अलग करके देख सकते हैं, टाटा अग्नि, टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड। उसी हिसाब से बाघ बकरी के अंदर में नवचेतन, मिंडी, बाघ बकरी। उसी हिसाब से आपके हंसमुख के अंदर में भी उसकी लिस्ट लगी हुई है, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, है ना, 8 नंबर की पत्ती सबसे ज़्यादा चलती है, इस ढंग से होता है। जब कस्टमर को एक जैसा ही ब्रांड, एक जैसी ही क्वालिटी, एक जैसा ही एक्सपीरियंस रेगुलर वे के अंदर में सेम तरीके का मिलता है, तो वो ब्रांड अपने आप में मार्केट में एक सेपरेशन क्रिएट कर लेता है दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। जैसे कि आप कोलगेट मंजन को करिए, उसके मिंट को करिए, उस आज पतंजलि के मंजन को करिए, तो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट होता है, उसको अलग कर सकते हैं कि पतंजलि का जो मंजन है वो सारे जितने भी मंजन है सबसे अलग है। उसी हिसाब से चाय के अंदर में भी अपने लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि टाटा गोल्ड की चाय टाटा अग्नि की चाय से अलग है। आज हम हिंदुस्तान के नियर अबाउट 700 ब्रांड के आसपास की क्वालिटी की चाय हम प्रोवाइड करते हैं हमारे यहाँ से, और कई लोग हैं, कई भाई हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। तो आपको भी यदि हमारे साथ में बिजनेस करना हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8100921233 पर, 9007125528 के ऊपर में। तो जब आप एक जैसी क्वालिटी देते हैं तो आपका कस्टमर जो है वो आपसे लॉयल हो जाता है। लॉयल हो जाने का मतलब है सिर्फ वो आपका ही माल लेगा। यदि आपका माल नहीं है तो हो सकता है वो एक दो दिन अवॉइड कर दे, वो माल खरीदे ही नहीं,
आपसे ही मान लेना चाहेगा। इसके अंदर में आप लोगों ने ये देखा होगा कि कोई कोई दुकान होती है किसी पर्टिकुलर आइटम की, चाहे सैलून ही समझ लो कि एक हेयर कटिंग की दुकान है, जिस दुकान के पास जाते हो यदि वो दुकान बंद मिलती है तो आप वापस आ जाते हो, अपना हेयर कट भी नहीं करवाते। उसी हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट के अंदर में जब आप जाके डिमांड करते हो कि भाई हमें ये प्रोडक्ट दो, ये नाम का प्रोडक्ट दो, तो जब आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आप यही सोचते हैं या करते हैं कि ठीक है दूसरी जगह से ले लेंगे अपने लोग, या फिर दूसरे दिन आके अपने लोग खरीद लेंगे लेकिन हम दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये ब्रांड चलने के पीछे का रीज़न रहता है। एक होता है कि जब ब्रांड अच्छा चलता है उस प्रोडक्ट के पीछे इतनी विश्वसनीयता जब जुड़ी हुई है आपकी, तो वो जो कंपनी है उसका कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज करती है। जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर में बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे की रोड आती है, आपके TMT बार आती है, और आती है, लेकिन टाटा कहीं ना कहीं अपना 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करता है अपनी क्वालिटी के लिए, ट्रस्ट के लिए, उसी हिसाब से। तो प्रीमियम प्राइस भी चार्ज करता है। आज बाघ बकरी की जो क्वालिटी है आज हम भी देते हैं, सेम क्वालिटी देते हैं, लेकिन जो बाघ बकरी की क्वालिटी के अंदर में आता है तो नियर अबाउट 30-35% रेट बढ़ी हुई आती है। आज के वीडियो में मैं आपको आगे में विक्रम की चाय दिखाऊंगा, हसमुख की चाय दिखाऊंगा जो कि आपके बॉम्बे के अंदर में बिकती है, और एक मेरठ की चाय भी दिखाऊंगा जो कि आप देखिएगा ज़रूर से। जो ब्रांड चलने के पीछे रीज़न रहता है वो सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि उनकी कंसिस्टेंसी रहती है। आज जैसे बाघ बकरी वाले हैं वो जो क्वालिटी देते हैं अपने बाघ बकरी के अंदर में वो एक जैसी ही प्राई कर रहती है। जैसे हसमुख है आज अपने बिरार से लेके सेंट्रल मुंबई तक 60-70 हज़ार चाय की टपरियां है, वहाँ पे नियर अबाउट 35-40 हज़ार जो चाय की टपरियां है वहाँ पे हसमुख की टपरी की जो चाय है, हसमुख होटन डस्ट चाय है, वही चलती है। तो यही उसके चलने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कंसिस्टेंसी, क्वालिटी की कंसिस्टेंसी है उनकी, क्वालिटी की कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से आज इतना बड़ा मार्केट वो ले रखी है। जब भी कोई नया बंदा किसी भी व्यापार के अंदर में एंट्री करेगा तो वो ये दिखाएगा कि हम उस प्रोडक्ट से बेटर क्वालिटी दे रहे हैं। जैसे कि जियो का एग्जांपल अपने लेते हैं, एयरटेल भी 4G दे रहा था लेकिन जब जियो आया तो उसने अपनी एक कम्पिटिटिव प्राइस दी, उसने क्वांटिटी दिखाया कि 1 GB के लिए जहां एयरटेल 128 रुपया चार्ज कर रहा है वहीं पे जियो 1 GB एक दिन का पूरा फ्री दे रहा है। तो इसके पीछे क्या है कि जो भी कस्टमर था वो कितना भी लॉयल क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो एक बार टेस्ट करने के लिए ज़रूर उसके अंदर में आएगा। और जियो ने तो कम्पिटिटिव फ्री कर दिया था कि भाई आप यूज़ करो, आपको पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, सिम भी फ्री में, जबकि एयरटेल उस सिम के बदले 25 रुपया चार्ज भी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जियो ने एक कम्पिटिटिव एडवांटेजेस उनको दिया अपने कस्टमर को, और जिसकी वजह से आज जियो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में छा सका। तो ये कम्पिटिटिव एडवांटेजेज है। तो जब भी आप अपनी चाय को भी लॉन्च करोगे तो एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी रेट के अंदर में, अच्छी सर्विस के साथ में जब दोगे तो आप भी मार्केट के अंदर में चलोगे। एक क्या होता है कि जब भी कोई ब्रांड चलता है तो कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट उस ब्रांड के साथ में भी हो जाता है। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये है, कोई भी बंदा जब किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो वो ख़रीदने के टाइम के ऊपर में तो उसके प्राइस को देखता है कि कितने रुपये में आ रहा है, लेकिन जब वो यूज़ करता है तो उसके एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करता है कि उसकी फीलिंग कैसी है। यदि खाने पीने का सामान है तो कैसा वो फील कर रहा है, यदि वो उसको पहनने का है तो जैसे कपड़े में रेडीमेड के अंदर में है तो कितना वो बेटर फीलिंग कर रहा है, जूता पहन रहा है तो कितना बेटर फीलिंग कर रहा है, हेयर यदि शैम्पू कर रहा है तो कितने खुले खुले बाल हो रहे हैं, मंजन कर रहा है तो कितना मुँह के अंदर फ्रेशनेस हो रहा है, चाय पी रहा है तो वो कितना फ्रेश फील कर रहा है उस चाय को पीने के बाद में। तो ये हम भी अपनी ट्रेनिंग के अंदर में
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि एग्जैक्ट चाय के व्यापार में कैसे आप आगे बढ़ोगे, किस तरीके क्वांटिटी को लेके आगे बढ़ोगे और किस तरीके से आप अपने ब्रांड को डेवलप करोगे। तो हम अभी आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये मेरठ की चाय आई हुई है हमारे पास में और चाय अच्छी है, 320 रुपये किलो में वहाँ बिक रही है। हमारे एक भाई ने दिए कि वहाँ पे एक 76 राज है। तो जैसा कि मैंने ब्रांड में आपको बताया कि किस ढंग से किसी ब्रांड को, यदि आपकी दुकान भी है तो वो एक ब्रांड है और छोटे मोटे जो ब्रांड चल रहे हैं उससे बड़ा वो ब्रांड है जिनकी दुकान चलती है। और ये आपको मैंने बताया कि ये आपका है हंसमुख की चाय, हंसमुख की CTC चाय मेरे पास में आई है जो कि वहाँ पे 360 रुपये में बिक रही है। क्वालिटी आप देख पा रहे हो इस कप के अंदर में है और काफ़ी अच्छी चाय है। इसका भी हम लोगों ने ब्रांड बनाया है और रेगुलर वे में बॉम्बे में सप्लाई किया है और अभी भी रेगुलर वे में माल जाता है। आपको भी चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हो। ये एक विक्रम डस्ट है, तो आप जैसे जानते हो कि बॉम्बे के अंदर में सोसाइटी की डस्ट है, विक्रम की डस्ट है, परिवार की है, विनायक की है, सियादरी की है, GS की है, ये सारे के सारे ब्रांड है वहाँ पे चलते हैं। और इस हिसाब से एक्चुअल में जब डस्ट की ब्रांड डस्ट की बात आती है तो डस्ट ही नहीं रहता, उसके अंदर PD का भी ब्रांड रहता है। तो ये आपके विक्रम की चाय है और इस हिसाब से वहाँ पे 400 रुपये किलो में ये बिक रही है। बाकी इनके ही कंपेरिजन के अंदर में हम लोगों ने ये चाय बनाई है और बिना किसी छेड़छाड़ के ये चाय नियर अबाउट पिछले 2 घंटे से है जो कि आप देख रहे हो। क्वालिटी शानदार है, क्वालिटी में कोई इश्यूज नहीं है, टेस्टिंग की हुई चाय है। मैंने पहले भी कई वीडियो है वो आपके टेस्टिंग के किए हैं। ये जैसे आपके 297 की है, 1538 नंबर ये ब्रांड है आपका और चाय काफ़ी शानदार है। 400 के कंपैरिजन में देखा जाए 297 की, डस्ट बोलने से डस्ट नहीं हो जाती है, एक अच्छी चाय होती है जैसा कि आप ये देख रहे हो। और ये 290 की है, चाय का रेट आप पता कर सकते हो फ़ोन करके। और ये इनके कंपैरिजन में है जो कि विक्रम वगैरह की जो चाय है, आप ये देख रहे हो ये विक्रम की चाय है और इसके कंपैरिजन में हमने ये ये विक्रम की चाय है, उसके कंपैरिजन में हमने ये चाय बनाई है। ये जो चाय आप देख रहे हो इस जगह और ये है, ये भी विक्रम के कंपैरिजन में है, काफ़ी शानदार चाय है। और ये हंसमुख के कंपैरिजन के अंदर में चाय है क्योंकि पिछले अब देख पा रहे हो। और एक चाय हमारी है, ये 3 चाय है जो कि राजस्थान जाएगी और खाली कलर से नहीं हो सकता, ये 200 रुपये की चाय की रेट है। इसका ब्रांड नंबर 1541 नंबर है, ये BOPSM की ब्रांड है जैसा कि आप देख रहे हो ये। और ये चाय जो आप देख रहे हो 1540 नंबर है, 192 रुपये की ये चाय है, काफ़ी अच्छी चाय है सर, टेस्टिंग वाइज भी काफ़ी अच्छी है। और एक ये चाय है 174 की, ब्रांड नंबर 1539 ये ब्रांड का नंबर है और चाय की क्वालिटी शानदार है, कलर भी बहुत अच्छा है जो कि आप ले सकते हो। ये सारे के सारे ब्रांड की इंक्वायरी आप हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन के नीचे भी दिया हुआ है। जैसा कि अभी आपने देखा विक्रम की चाय डस्ट की चाय है, हंसमुख की चाय CTC की चाय है और एक मेरठ की चाय है। तो ये सारी की सारी चाय अच्छी है और इनके कंपैरिजन में हमने चाय भी बनाई है कि जो कि हमने दिखाया। यदि आपको भी उस टाइप की चाय चाहिए तो आप हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं किस रेट में क्या चाय आएगी, आ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।
और चाय की बिजनेस करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक मार्केट के अंदर में पिछले 70 वर्षों से काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यदि मैं बात करूं तो हमारे साथ में कई बड़े बड़े ब्रांड जुड़े हुए हैं जिनका कि बिजनेस आज चल रहा है। तो आप भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपने ब्रांड को भी डेवलप कर सकते हैं, और आप एक छोटे से लेके 5 किलो से लेके 5,000 किलो तक का मार्केट तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।